एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें सबसे पहले हम लोग नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्मदा भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। सर्वप्रथम 1945-46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर, 135 मध्यम तथा 3000 छोटे बांध तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। इसका पूर्ण जलाशय स्तर जो है 138.68 मीटर यानी 455 फीट है। इससे कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% हिस्सा जो है मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32.14% प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को और इसके बाद महाराष्ट्र को यानी 27% जो है इसको हिस्सा प्राप्त हो रहा है। सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को जो है सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटेकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारण ग्रस्त समिति की स्थापना की थी और 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। नर्मदा सागर परियोजना का जो है इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव से जो है 10 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक बहुउद्देशीय परियोजना है और 1.23 लाख हेक्टेयर के कृषि योग्य कमान क्षेत्र पर 2.65 की जो है वार्षिक सिंचाई शामिल है। नर्मदा घाटी में तवा, बारना, कोलार, सुक्ता और मटियारी परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं से 3,73,500 हेक्टेयर जो है सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदा की सहायक नदी मान पर मान परियोजना, हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद यानी जोबट परियोजना और वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। सेकंड नंबर है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर। प्रश्न संख्या थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या फोर है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किस राज्य को? सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32.14% प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक जो है 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को, इसके बाद महाराष्ट्र को की जा रही है। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। इसके बाद
प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा, मेधा पाटकर। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारण ग्रस्त समिति की स्थापना की थी। 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ ही इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बाण सागर। याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाली 30 बांधों की श्रृंखला में बरगी, ओंकारेश्वर तथा इंदिरा सागर जो है शामिल है, जबकि बाण सागर बांध सोन नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 7, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब है नर्मदा नदी पर। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो इंदिरा सागर, ए ऑप्शन। देखिए, हरसूद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित एक कस्बा था जो इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण वर्ष 2004 में डूब गया। 9 नंबर है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी से, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। देखिए, ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता 520 मेगावाट और वार्षिक सिंचाई 1.47 लाख के कृषि कमान क्षेत्र में 2.83 लाख हेक्टेयर है। ओंकारेश्वर परियोजना में विद्युत का उत्पादन इंदिरा सागर परियोजना से है। नियंत्रित जल को छोड़े जाने से सीधा संबंधित है, इसीलिए यह इंदिरा सागर परियोजना के लाभग्राही में से एक है। परियोजना ने नवंबर 2007 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। प्रश्न संख्या 10 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्माण का विरोध कर रहा है? तो याद रखिएगा, सरदार सरोवर यानी बी ऑप्शन। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भाखड़ा नांगल बांध के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस प्रश्न में या जिस टॉपिक में आपको कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।